जिन साथियों 69 जैसे शिक्षक भर्ती पर आरक्षण को लेकर माननीय हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चल रही हैं। अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह से अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। उसमें सबसे कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो शायद आपको भी जाननी चाहिए और आप जानते भी होंगे। कौन प्रभावित होगा? 6800 की जो सूची थी रद्द कर दी गई है। उन अभ्यर्थियों क्या होगा जो 6800 सूची में जिनके नाम थे, जो ये खुशियां मना रहे थे, उनको एक सहायक अध्यापक बनने का मौका मिलेगा। अब उनकी भी नींद उड़ चुकी है जो 69,000 में शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं। उससे भी ज़्यादा अगर हम देखा जाए जो प्रभावित अभ्यर्थियों में से उनकी भी संख्या में देखने को मिल रही है कि जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो जिनके आयु में आरक्षण लेकर रखा था उसके आधार पर नियुक्ति हुई थी, या जिनको किसी अन्य प्रकार से एकदम मतलब निचले पायदान से पे थे और उन्हें अंत में नियुक्ति पत्र मिली थी। दूसरा, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके गुणांक कट ऑफ के नियर अबाउट थे, आसपास थे, बाउंड्री लाइन के पास थे, उनके लिए भी समस्या खड़ी हो रही। इस तरह से तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और तरह तरह के लोग अपने उन साथियों से पूछ रहे हैं, कंफर्म करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें वे समझते हैं कि वो इस मामले की गहन बातें जान रहे हैं और इस चीज़ को संज्ञान में लिए और भर्ती प्रक्रिया में पूरे सम्मिलित रहे हैं। तरह तरह की अलग अलग अंदेशाएँ लगाई जा रही है। कहीं लग रहा है कि इस निर्णय के बाद उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ को लग रहा है नहीं सब कुछ सामान्य जैसा चलेगा। इन सारी अटकलों को एक तरफ दरकिनार किया जाए और आप लोग 69,000 को पूरे ध्यान से सोचे। ये जो भर्ती थी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी। उत्तर प्रदेश में 69,000 पारदर्शी शिक्षकों की भर्ती होगी। जो योग्य होंगे उन्हें नियुक्ति मिलेगा और जो योग्यता के पैमाने पर खड़े नहीं उतरेंगे उन्हें हम अगली भर्ती में मौका देंगे। अभी तक अगली भर्ती तो नहीं आई, लेकिन 69,000 भर्ती कई बार न्यायालय के शरण में गई और न्यायालय के आदेशानुसार, न्यायालय के जो जजमेंट था, निर्णय था, उसी के अनुसार अंत में 69,000 शिक्षकों को, 69,000 परिवार को इस 75 जिलों के अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग न्याय पंचायत के विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिली और वह अपना कार्य पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरे सरकार के मंशा के अनुरूप कर रहे थे। अचानक से खबर आती है कि 1900 सूची को रद्द किया जाता है। माननीय सरकार फिर से नई सूची बनाने जा रही है। इस नई सूची में क्या उलट फेर होगा? तो जी हाँ, आप लोग को ये बात ध्यान देना चाहिए। कभी भी माननीय सरकार को और उन अभ्यर्थियों को जिन्हें ये लगता है कि वो माननीय न्यायालय के जो जजमेंट है उससे संतुष्ट नहीं है, वो डबल बेंच जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब यह प्रक्रिया लंबी घिस सकती है क्योंकि माननीय न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया है। ये 3 महीने में नई चयन सूची जारी की जाए। अगर नई चयन सूची जारी होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी, ओवरलैपिंग के साथ साथ। जैसे कुछ अच्छा मित्र हैं जिनके 91 नंबर थे और उनके 25 वेटेज थे और अंत में नौकरी पा रहे, क्या ऐसे शिक्षकों के ऊपर गाज गिर सकती है? ऐसे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे जिनके 97 नंबर थे, गुणांक ज़्यादा थे, वो रिजर्व कैटेगरी में थे, या जी अनारक्षित वर्ग में थे, उनके 97-98 मार्क थे और अंतिम में शिक्षक बनकर उनके एकेडमिक गुणांक अच्छे थे। ऐसे कई अटकलें आपको सामने आएंगी और कई बार आपको लगेगा कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी, इन तीनों में आपस में मतभेद, अलग अलग तरह की लोग चर्चाएं चला रहे हैं और अलग अलग तरह के लोगों की मनसा, अलग अलग तरह के लोगों की मान्यता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए और पठन पाठन पर ध्यान दीजिए, अपने अहम पर रखिए, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए, स्कूल में रहिए और स्कूल के साथ साथ आप उम्मीद करिए कि जल्दी से ये मामले खत्म हो। उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती है कि तमाम युवा 2019 परीक्षा देने के बाद से अभी तक इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की। तो 6800 का अध्याय ही नई शिक्षक भर्ती का आगाज होगी। और एक सवाल आ रहा है कि सर जिनका 6800 में रद्द हो गया है क्या उनका होगा कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी? देखिए, अगर नई चयन सूची आती है तो क्या ये 67,000 पर नियुक्ति मिलेगी या 69,000 पर ही नौकरी मिलेगी या 75,000 पर नौकरी मिलेगी? तमाम तरह के अटकलें, तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये मानिए आप सुरक्षित हैं और आप, माननीय सरकार आपके साथ है, माननीय न्यायालय आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। तो 6800 सूची के भी लोग घबराए नहीं, क्योंकि उनके ये जो सूची है ये माननीय सरकार की तरफ से जारी की गई। उन्होंने स्वीकार, उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि विसंगतियाँ हुई थी, इन विसंगतियों से 6800 लोग प्रभावित हुए थे। प्रभावित अभ्यर्थियों को उन्हें दोबारा शिक्षक बनने का मौका देने के लिए एक लिस्ट जारी की गई थी 5 जनवरी 2022 को। तो उस लिस्ट को यहाँ पे रद्द किया गया और नई सूची जारी करने की बात कही जा रही है। तो हो सकता है कि अभ्यर्थियों के जो पद संख्या थे, हो सकता है 75,000 जाने के हो या
कुछ राय लेने के लिए, विधिक राय लेने के लिए माननीय सरकार भी स्वयं डबल बेंच जा सकती है कि क्या हम पद संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे 69,000 की विज्ञप्ति थी, अगर हम चाहें कि जो आहत हो रहे हैं, जिनको विसंगतियां आ रही हैं, क्या उन्हें हम अलग से नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे कई विधि सलाह ली जा सकती है, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी माननीय सरकार को भी बहुत सारे अधिकार भी दे के रखे हैं। एक बार पूरा जो जजमेंट उसे पढ़ेंगे तो कई बातें साफ निकल कर आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, बेहतर देना है और खुद पर भरोसा रखना है, अपने इष्टदेव पर भरोसा रखना है। सब कुछ सकारात्मक होगा, बेहतर होगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस मच्छे लगते हैं खेत में नहीं। और हम ये चाहेंगे किसी भी व्यक्ति का हित ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी न्याय के तराजू पे तौलते जाएं, तौले जाएं और सभी के साथ न्याय हो, चाहे वो 6,900 अभ्यर्थी थे या 69,000 में नियुक्त तीन फेज में जो थे, ठीक है, 31,000, 37,000, लगभग 6,500, उसके बाद फिर से 6,800 की लिस्ट आई थी, और एक नंबर जिन्होंने याची लाभ मिला था उन्हें भी यथाशीघ्र जल्दी से नियुक्ति मिले। ऐसे तमाम अटकले थे। जैसे ही अध्याय खत्म होता है 69,000 का, आपको उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरह से रद्द हो जाएगी, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर भी कयास नहीं लगाना है। एक बार और मामला भी आपको झकझोर देने वाला आएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट BTC और BEd के फैसले को फिर से सुनाएगी, तो वहाँ पर फिर आपके सामने एक फैसला और सुनने को मिल सकता है कि क्योंकि यह जो BTC BEd का जो मामला था, ये वास्तव में ये 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले जो 28 जून की 2018 का जो NCT गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को चैलेंज किया गया है, उस पर भी कई समस्याएं आ सकती हैं, कई बार वहां से भी सवाल उठ सकते हैं। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, अपना बेहतर, अपना बेस्ट देते रहिए। उम्मीद करते हैं आप बेहतर करेंगे और धैर्य रखना जरूरी है। अफवाहों से बचिए, सकारात्मक चीज़ों को लीजिए और पॉजिटिव वे में सोचिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और अगर आप सहायक अध्यापक हैं, अध्यापिका है, तो आप आगे के रेस की तैयारी करते रहें। आप उत्तर प्रदेश PCS का आवेदन कर रहे हो, तैयारी करते रहे, क्योंकि इसकी जो BEd है उनके लिए BO खंड शिक्षा अधिकारी बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अध्याचन शुरू हो चुका है। और ऐसे अभ्यर्थी जो BTC करके 69,000 में चयनित है, वो अभ्यर्थी RO की भी तैयारी करते रहे, क्योंकि PCS तैयारी करने के बाद RO खंड शिक्षा अधिकारी क्रमवार रूप से आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, जो प्रतिवर्ष आपको आती है। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो धैर्य है, आपके अंदर वो लगन है, आपके अंदर वो जज्बा है, जुनून है कि आप ऐसे पहाड़ों को आसानी से पार कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बेहतर करते रहिए, PCS के फॉर्म के लिए आवेदन करिए, उसके सिलेबस का अध्ययन करिए और फिर से लग जाइए एक नए रेस की तरफ, एक नए अध्याय की तरफ। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, आप कर लेंगे, और आपके साथ भी आपका परिवार है। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से आपको संपूर्ण शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको घर बैठ के तैयारी करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। ये PDF और हैंड रिटन दोनों आपको उपलब्ध है, और दोनों माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मुझे जब भी समय मिलता है, मैं आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आता रहता हूँ। 69,000 से मैं आपके साथ था, आगे भी रहूँगा, अभी भी हूँ। तो 69,000 के लिए एक साथ रहिए, संगठित रहिए, एक दूसरे का सहयोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी का नाम जिंदगी है, और आप जिंदगी को जीते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका परिवार भी आपके साथ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई प्रश्न है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो आप इस कॉमेंट सेक्शन में जाइएगा और कॉमेंट करिएगा, या आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत सवाल होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना व्यक्तिगत सवाल कहाँ से पूछूं, तो आप उसके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर जाइए और आप अपने सवाल पूछिए, और वहाँ पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश टीम भी आपको जवाब करेगी। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, तो आप जरा बताइए कि क्या आप भी डरे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर चयनित हैं, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले में कार्यरत है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमेशा सकारात्मक रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ऊर्जावान रहिएगा, यकीनन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो को शेयर करिएगा, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। लाइक नहीं तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने उन सभी दोस्तों को पहुंचाते रहिए जो डरे हुए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा नहीं है, धैर्य रखिए, अभी आपके पास बहुत मौके हैं। माननीय सरकार आपके साथ है, माननीय न्यायालय आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है। 68,000 सूची जिनका रद्द हो भी घबराए हुए हैं कि मेरा क्या होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जब सूची आपकी माननीय सरकार ने जारी की, विसंगतियां वहां से उत्पन्न हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि आपकी नौकरी आपके पास है। तमाम तरह के मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जनरल कैटेगरी के लोग OBC पर टिप्पणी करें, OBC के लोग जनरल पे, तो इस तरह से टिप्पणियाँ करने के बजाय सकारात्मक वे में सोचे और पॉजिटिव रहें, यकीनन आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, जहाँ भी कमियाँ होगी उस कमी को दूर किया जाएगा, और हो सकता है उससे कोई प्रभावित हो, लेकिन हम ये चाहेंगे किसी की नौकरी प्रभावित ना हो, बल्कि अन्य जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ विसंगतियों का जो शिकार हुए, उन्हें भी पूरा पूरा मौका मिले, उन्हें नियुक्ति पत्र मिले, सम्मान उन्हें विशिक्षा के विद्यालय में भेजा जाए, उसके बाद तुरंत
नए शिक्षक भर्ती का सृजन किया जाए पदों का, और उस पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को हम कुछ बड़ा और बेहतर कर सकें। क्योंकि आने वाले समय में, आने वाला महीना जो है वह स्कूल चलो अभियान शुरू होने वाला, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से उत्तर प्रदेश के किसी जनपद से, या माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश किसी जनपद से फिर से इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे, स्कूल चलो अभियान। तो फिर से हम लोग चलते हैं स्कूल की तरफ और बच्चों को फिर से स्कूल की बाउंड्री वाल के अंदर लेके आते हैं, जो 6 वर्ष अभी पूरी कर चुके हैं, जिससे अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो छात्र संख्या बढ़ने से शिक्षक का अनुपात कम होगा, और जब शिक्षकों का अनुपात कम होगा तो आने वाले हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें सरकारी शिक्षक बनने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, उनकी पूरी, क्योंकि उन्हें लंबा इंतजार किया है। इस बार इस अप्रैल हम सभी सहायक अध्यापक उत्तर प्रदेश के 69 ऐसे शिक्षक खुद में ठान के रखेंगे कि अपने विद्यालय में उम्मीद से ज्यादा नया नामांकन कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा।